1997 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक ईडी होम्स सर्विस दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस है, जिसकी तादाद 1500 के करीब है। ईडी फाउंडेशन शनाख्त प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें इन लावारिस लाशों की शनाख्त नादरा की मदद से की जाती है, ताकि मरने वाले के वर्सा इसको तलाश कर सकें। अस्सलाम वालेकुम, वाइट न्यूज के साथ मैं हूं बख्तावर महमूद। ख्वाजा मीर दर्द का कहना है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अताद के लिए कुछ कम ना थे करो बयां। ऐसा ही एक इंसान हमारे मुल्क की शनाख्त बना, जहां भी गया दर्द बांटता गया, जिससे भी मिला इसकी मदद करता गया, जिसका नाम खिदमत का हम मानी हो गया। जिस अजीम शख्सियत की हम बात कर रहे हैं वो यकीनन अब्दुल सत्तार ईदी साहब थे। आज ईदी साहब को हमसे पिछड़े 6 साल हो गए, मगर इनका काम आज भी जिंदा है। ईदी साहब ने 60 साल से ज्यादा इस कौम की खिदमत की। सड़क पर लावारिस लाश हो, बद अमनी में बेबस जख्मी हो, सैलाब हो या कोई और कुदरती आफत हो, जो शख्स सबसे पहले मदद को निकलता था वो था अब्दुल सत्तार। मैं ये चाहता था कि कौम को देने वाली बनाऊं, तो उसका तरीका मैंने फुटपाथ पर खड़ा रहकर भीख मांगी, थोड़ी मिली लेकिन ठीक मिली। ईदी साहब ने 1951 में कराची के इलाके खारादार में एक छोटा सा क्लिनिक खोलकर खिदमत खल्क का आगाज किया, और 1957 में जब वबाई मर्ज फैला तो कराची में कई तिब्बी कैंप लगाए और मुतासरीन को मुफ्त इलाज और दवाई दी, जिसके बाद इनका नाम पूरे पाकिस्तान में जाना गया। ईदी साहब की एक अदना सी कोशिश अब पाकिस्तान में 250 तवाना मराकज में तब्दील हो चुकी है, जहां 24 घंटे हजारों रजाकार खिदमत में मामूर हैं। इस वक्त पाकिस्तान में 18 ईदी होम्स हैं, जहां ना सिर्फ यतीम बच्चे परवरिश पा रहे हैं बल्कि हजारों बेसहारा लोगों को भी छत मयसर है। मेरे पास रहने को घर नहीं था, मेरी वालदा और मेरे पास, तो इस वजह से ईदी होम की चॉइस की और यहाँ पर आया। ईदी साहब को एक बड़ा इंसान पाया। मुझे यहाँ पे इसीलिए हुआ कि मेरा कोई कहीं किसी जगह पे रहने का बंदोबस्त नहीं था, जिसकी वजह से मैंने जाहिर है कहीं हमारा कोई सर छुपाने की जगह नहीं चाहिए थी। ईदी साहब को ऐसे मासूम बच्चों की जिंदगी की भी फिक्र थी जिनको इनके वालिदैन पाल नहीं सकते थे। इनके लिए हर मरकज के बाहर एक चूल्हा रखा गया था, ताकि कोई मासूम जिंदगी हालात के हाथों तो खत्म ना हो। 375 सेंटर है, सेंटरों में चूल्हे रखे, चूल्हे में डाल दो जिस हालत में हो तुम्हें कोई सवाल नहीं करेगा। इन बच्चों को अब्दुल सत्तार ईदी और बिल्किस ईदी ने अपने बच्चों की तरह पाला। यहाँ पर परवरिश पाने वाली लड़कियों की शादी का भी बंदोबस्त किया। 1997 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक ईदी होम्स सर्विस दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस है, जिसकी तादाद 1500 के करीब है। ईदी फाउंडेशन शनाख्त प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें इन लावारिस लाशों की शनाख्त नादरा की मदद से की जाती है, ताकि मरने वाले के वर्सा इसको तलाश कर सकें। कहीं भी दुनिया में इमरजेंसी होती है, पाकिस्तान में या पाकिस्तान के बाहर, मुझे अल्लाह ने वसाइल दिए। ईदी साहब ने सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अपनी खिदमात जारी रखी। बोस्निया, भारत, फलस्तीन, लेबनान और शाम में भी ईदी फाउंडेशन जंगजदा और आफतजदा इलाकों में इंसानी खिदमत में पेश पेश रहे। ईदी साहब की खिदमात पर हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें निशान इम्तियाज अता किया, लेकिन वो एक पैगाम हमेशा के लिए छोड़ गए। जी तो सभी लेते हैं, लेकिन दूसरों के लिए जीना असल जिंदगी है। ईदी साहब को इनके इंतकाल के बाद कौमी एजाज के साथ तदफीन किया गया। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, कहीं से भी इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ईमानदारी से जो भी काम करते हैं करें, पाकिस्तानी जैसी कौम दुनिया में कोई नहीं। आपको जहां पर पाकिस्तान में मुख्तलिफ एजाजात से नवाजा गया, वहां दुनिया भर में भी आपकी खिदमात के एतराफ में कई एजाजात नवाजे गए।